बात क्रिकेट की दुनिया से। आईपीएल के फाइनल में चेन्नई और हैदराबाद की टक्कर होगी। कल रात दूसरे क्वालिफायर में हैदराबाद ने रोमांचक मैच में कोलकाता को 14 रन से हरा दिया। मैच के हीरो बने राशिद खान, जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में नायक बनकर उभरे। अब फाइनल में वो धोनी के सामने बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। किंग खान पर भारी पड़े अफगानी खान, जीत का दूसरा नाम राशिद खान। हैदराबाद और कोलकाता के बीच हुए वर्चुअल सेमीफाइनल में सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी बना जीत और हार का अंतर। हैदराबाद के राशिद खान ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ऐसा जोरदार खेल दिखाया कि अकेले ही कोलकाता के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़े। राशिद ने पहले बैटिंग में 10 गेंद पर नाबाद 34 रन बनाए। गेंदबाजी में 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। फील्डिंग में 2 कैच पकड़े और 1 रन आउट किया। राशिद खान मैन ऑफ द मैच बने। पहली बार बैटिंग की, जिसकी वजह से हैदराबाद ने स्कोर बोर्ड पर 174 रन टांगे। जिस आखिरी ओवर में राशिद ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी, उसी ओवर ने कोलकाता के हार की कहानी लिखी। हैदराबाद ने आखिरी 3 ओवर में 50 रन बनाए, आखिरी ओवर में 24 रन बने। कोलकाता ने 9 विकेट पर 160 रन बनाए और 14 रन से मैच हार गए। इसके बाद गेंदबाजी में राशिद का कमाल देखिए, क्योंकि जब उन्हें कप्तान ने गेंद थमाई तब तक कोलकाता को धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी और जीत सामने नजर आ रही थी। कोलकाता ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। कोलकाता को 14 ओवर में 108 रन और चाहिए थे, लेकिन राशिद ने 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक लगातार गेंदबाजी की और एक छोर से रनों पर अंकुश भी लगाया और विकेट भी चटकाए। 7वें से लेकर 15वें ओवर यानी 9 ओवर में कोलकाता ने सिर्फ 51 रन बनाए और 5 विकेट गवा दिए। राशिद ने खतरनाक क्रिसलिन, रॉबिन उथप्पा और आंद्रे रसल को शिकार बनाया। अब फील्डिंग में राशिद का कमाल देखिए। पहले उन्होंने बेहद खतरनाक दिख रहे नीतीश राणा को रन आउट किया। उसके बाद आखिरी ओवर में 2 लगातार गेंदों पर शिवम मावी और शुभमन गिल को कैच आउट किया। अब चेन्नई के खिलाफ फाइनल में अगर हैदराबाद को खिताब जीतना है तो फिर इस अफगानी खान को फिर वही फॉर्म दिखानी होगी, जिसके दम पर उन्होंने टीम को फाइनल में पहुंचाया है।